जी, अब हम लोग 3.8 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 3.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या चीज हमें गिवन है। तो 3.8 की स्टेटमेंट, तो सबसे पहले जो चीज स्टेटमेंट में बताई हुई है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 20 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी कि किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स को कितना वक्त दरकार होगा। यानी टाइम हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज फाइंड आउट करनी है वो टाइम है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जो हमें चीजें गिवन है वो चेंज इन मोमेंटम, सबसे पहले दिया हुआ है हमें चेंज इन मोमेंटम, तो इसको मैं डेल्टा पी से नोट कर देता हूं। ये 22 न्यूटन सेकेंड दिया हुआ है, यानी मोमेंटम में चेंज है और ये 22 न्यूटन सेकेंड है। और यहां पर हमें और जो चीज दी हुई है फोर्स है, फोर्स को हम एफ से पता में डिनोट करते हैं, वो 20 न्यूटन है। जो फाइंड करना हम लोगों ने वो टाइम है, टाइम को मैं टी से डिनोट करता हूं, ये टाइम फाइंड आउट करना हम लोगों ने। तो ये सारा हमारा डेटा बन गया हमारा डेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोगों ने फार्मूला पुट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा फार्मूला है, हमने कंजर्वेशन मोमेंटम के जो शुरू में साथ में मिलता है टॉपिक को पढ़ा हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये वर्डिंग की स्टेटमेंट जो है ना, वर्डिंग के अकॉर्डिंग क्या बनती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये आ गया रेट उसका। रेट का मतलब ये होता है कि आपने टाइम से उसको डिवाइड करना। तो ये सारी चीज किसके इक्वल होती है, अप्लाइड फोर्स के। तो ये एफ हो गया, यानी ये डेल्टा पी डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू एफ के इक्वल होगा। और ये जो रिलेशन है इससे हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने इसे टाइम फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको यहां से ऐसे लिखता हूं, टाइम इज इक्वल टू डेल्टा पी और नीचे आ जाएगा एफ। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। नेक्स्ट स्टेप हमारा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा पी कितना था, 22 न्यूटन सेकेंड है, 22 न्यूटन सेकेंड। और एफ कितना है, ये 20 है न्यूटन। लिहाजा न्यूटन न्यूटन से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास 1.1 सेकेंड, ये मेरे पास एक जो है वो आंसर बन जाता है। यही हमारा आंसर है। तो हम इसका एक दफा सबसे पहले रिव्यू चेक कर, स्टेटमेंट में हमें ये चीज पता थी कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो 22 न्यूटन सेकेंड दिया हुआ है और फोर्स जो है ना वो 20 न्यूटन हमें दी हुई है। फाइंड हमने करना है कितना टाइम लगेगा ये सारा कुछ करने के लिए, यानी 22 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम पैदा करने के लिए 20 न्यूटन कितना टाइम लगेगा, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लगेगा, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, ये किसके बराबर होता है, एफ के। ये डेफिनेशन भी हमने पढ़ी हुई टॉपिक में कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी हम लोगों ने उसी स्टेटमेंट को फॉर्मूले की शक्ल में दे दी कि चेंज ऑफ मोमेंटम जो है रेट के साथ वो फोर्स के इक्वल होता है। तो मैंने इसकी वर्डिंग में डेल्टा पी और टी लिखा, ये चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से जाहिर किया गया और टी टाइम है। यहां से टी को हम लोगों ने इधर ले गए और ये सारा जो एफ है ये इसको हम लोग यहां पे ले आए। तो इससे क्या हुआ, ये टी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर एफ बन गया। तो ये जो सिंपल चीज है इसके अंदर हम लोगों ने अब क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देंगे। ये वैल्यूज पुट करने से जो प्रोसेस है उसका नाम हम लोगों ने कैलकुलेशन रखा हुआ है। कैलकुलेशन हम लोगों ने टी, तो ये 22 न्यूटन सेकेंड और डिवाइड बाय 20 न्यूटन आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1.1 सेकेंड आ जाएगा और यही हमारा आंसर है।